बाइक वाले लहरिया कट मारते हैं सर, उनके बारे में क्या कुछ? उनके बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं, जब तक देखते हैं, जब तक इधर से इधर कट जाता है तो भाई उसमें तो हम रगेद नहीं सकते हैं, रगेदने में दुर्घटना हो सकती है, तो मैं उसको। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि किसी को रोक रहे हैं और वो नहीं रुक रहा है तो दौड़ कर पकड़ने का प्रयास करते हैं? प्रयास नहीं करते हैं दौड़ कर, की बाई दी गिर गया, वो गिरेगा तो दूसरा आदमी एक्सीडेंट कर जाएगा। हमारे बड़े भाई जरा गाड़ी को धीरे चलाएं कि आम जनता सही से चल सके। अच्छा, जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहते हैं चार चक्का पे और दो चक्का पे हेलमेट नहीं लगा रहे तो उनको क्या कहते हैं? वो जो हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हम वरीय पदाधिकारी के यहाँ मोबाइल से अपने ट्रैफिक कंट्रोल को मैं वहाँ भेज देता हूँ। एम्बुलेंस आ रहा है, कोई मरीज आ रहे हैं पैदल, उनको हाथ पकड़ कर मैं पार करा देता हूँ। और जाम को जहाँ तक चारों तरफ जब जाम लगता है तो मैं देख लेता हूँ कि जाम लग गया तो किस तरह से जाम को हटावे, मैं अपना दिमाग से फिर जाम को हटा देता हूँ। पहले गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी और जब से आप आए हैं मैंने देखा है कि बहुत जल्दी जो है लाइनों की कतार आप छुड़वा देते हैं और जाम नहीं लगने देते। नौ से नौ करने में थकान वकान महसूस नहीं होता? अब थकान तो महसूस होता है लेकिन अब तो नौकरी है तो नौकरी छोड़ के तो भागेंगे नहीं। देखिए, अभी हम आर एन सिंह मोड़ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको एक दो शख्स दिख रहे होंगे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान है। आप सोच रहे होंगे कि हम इनके पास क्यों आए हैं और आखिर क्या बात करेंगे इनसे? जी हाँ, इनके बारे में निगेटिव खबर है तो बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इनके बारे में आज हम कुछ पॉजिटिव खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, सकारात्मक खबर लेकर आए हैं, वो इसीलिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रोत्साहन होना चाहिए, उनकी बड़ाई होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। सर अजीत जी, पहले यहाँ पे बहुत जाम रहता था, इधर तीन चार दिनों से आप आए हैं, उसके बाद इस व्यवस्था को यहाँ पे जो आर एन सिंह मोड़ है, इस लोड को कैसे देख रहे हैं, कैसे खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? तो ड्यूटी पर तैनात रहने के बाद मौजूद जब रहेंगे तो जाम लगने का कोई है नहीं थी, और जब ड्यूटी से हम अलग बैठ जाएंगे तो जाम लग जाएगा। इससे पहले गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती थी और जब से आप आए हैं मैंने देखा है कि बहुत जल्दी जो है लाइनों की कतार आप छुड़वा देते हैं और जाम नहीं लगने देते। हम अथक प्रयास करते हैं कि जनता को जाम से मुक्त कराएं। कोई एम्बुलेंस आ रहा है, कोई मरीज आ रहे हैं पैदल, उनको हाथ पकड़ कर मैं पार करा देता हूँ। और जाम को जहाँ तक चारों तरफ जब जाम लगता है तो मैं देख लेता हूँ कि जाम लग गया तो किस तरह से जाम को हटावे, मैं अपना दिमाग से फिर जाम को हटा देता हूँ। ये एक पॉश इलाका है और आप मात्र दो ही लोग यहाँ पे तैनात हो तो कैसे इसको कर पा रहे हैं? देखिए, ड्यूटी करने का अपना अपना तरीका होता है, यानी कि जाम लग गया हम उधर घुमा दिए तो नहीं होगा। मैंने एकदम पीसफुल एनी टाइम एकदम यहाँ लगे रहते हैं। अभी गाड़ियों की जो तेज रफ्तार रहती है उस पर भी आप कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं क्या? हाँ, पूरा प्रयास करते हैं। कैसे? कि आप गाड़ी को धीरे चलाएं, यदि वो पास में आ जाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि हमारे बड़े भाई जरा गाड़ी को धीरे चलाएं कि आम जनता सही से चल सके। अच्छा, जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहते हैं चार चक्का पे और दो चक्का पे हेलमेट नहीं लगा रहे तो उनको क्या कहते हैं? वो जो हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हम वरीय पदाधिकारी के यहाँ मोबाइल से अपने ट्रैफिक कंट्रोल को मैं वहाँ भेज देता। अच्छा, ऑटोमेटिक चालान कट जाती है क्या? जी 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 जी। और वो चालान उनके घर पहुँच जाती है? अब वो तो उनके मोबाइल पर मैसेज जब जाता है तो वो अपने खोजने लगता है कि हमारा चालान कटा तो कहाँ कटा। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि आप लोग फोटो खींच लेते हैं और रोकते हैं तो वो लोग रुकते नहीं और डायरेक्ट भाग जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि हम बच गए, लेकिन क्या होता है? बचे नहीं, यदि नंबर मेरे पास मोबाइल में आ गया तो मैं उसको मैसेज कर देता। अच्छा, फॉरवर्ड कर देते और चालान उनके फोन पे पहुंच जाता? जी जी। और वो चालान उनको भरना ही पड़ेगा? जी जी। अच्छा, आपने कहा कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं और जो रोड क्रॉस करने में असमर्थ है उन्हें आप रोड क्रॉस भी करवाते हैं? हाँ, हाथ पकड़ कर, बूढ़ी है, बूढ़ा है, बच्चा है, बच्चा आगे बढ़ना लगता है, बच्चा को दो मिनट रोकते हैं, बाबू दो मिनट रुको, हम तुमको हाथ पकड़ के पार करा देंगे। अच्छा जी। और जो बाइक वाले लहरिया कट मारते हैं सर, उनके बारे में क्या कुछ? उनके बारे में देखिए, हम लोग देखते हैं, जब तक देखते हैं, जब तक इधर से इधर कट जाता है तो भाई उसमें तो हम रगेद नहीं सकते हैं, रगेदने में दुर्घटना हो सकती है, तो मैं उसको। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि किसी को रोक रहे हैं और वो नहीं रुक रहा है तो दौड़ कर पकड़ने का प्रयास करते हैं? प्रयास नहीं करते हैं दौड़ कर, की बाई दी गिर गया, वो गिरेगा तो दूसरा आदमी एक्सीडेंट कर जाएगा, एक तो गलती किया और दूसरा आदमी जाकर सड़ जाएगा, गाड़ी गिर जाएगी तो हम रगेदना। तीन लोग गिर जाएंगे। अच्छा, जो ट्रैफिक बत्ती लगाई गई है यहाँ पे या फिर और भी जो भी बत्तियाँ लगी है वो सब काम नहीं कर रही है, इस पे आप लोग आगे क्यों नहीं बात रखते?
तो हमारे वरीय पदाधिकारी बात रखेंगे। हमारा तो ड्यूटी है, जितना हमको काम मिला उतना काम करते हैं। अच्छा, इसके वजह से लोगों को परेशानी होती होगी कि नहीं? सिंगल रहने से हम लोग को थोड़ा राहत होता, और सिंगल नहीं है तो मौजूद धूप है, पानी है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, तो मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। जनरली आप लोग क्या चेक करते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट के अलावा क्या कुछ चेक? हम ज्यादा चेक नहीं करते, हम जाम को ज्यादा मुक्त कराते हैं। अच्छा। जाम नहीं लगे। हाँ। हम ज्यादा प्रयास जाम पर मेरा ध्यान रखा। अच्छा, जाम को क्लियर रखना। हाँ, जाम को क्लियर। अच्छा, कोई लोग अगर हेलमेट नहीं, देखिए सर ये पुलिस वाले उधर दिखाइए, वो बिना हेलमेट के चले गए तो देखिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, तो मैं जाम को हटावे। अच्छा, अगर पुलिस वाले हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं VIP लोग हैं, उन लोगों की गाड़ी का नंबर आप लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं या फिर सिर्फ नॉर्मल लोगों की? नहीं, सबका होता। हाँ, सबका होता। अगर कोई पुलिस वाले हैं वो बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी का नंबर आप फॉरवर्ड करते हैं? उन पर कार्रवाई होती होगी? कार्रवाई होती है। अच्छा, अगर कोई हेलमेट नहीं पहने हुए है तो उस पर क्या, मतलब कितने का चालान बनता है? हेलमेट का 1000 फाइन है, सीट बेल्ट का 1000 फाइन है। उसके उल्लंघन के आदेश पर उसका फाइन बढ़ता है। अच्छा, इनको क्यों रोका गया है? कैसे इनको क्यों रोका गया है? क्रॉसिंग पार कर रहे थे। अच्छा, इस साइड से अच्छा, आपने रोका था उसके बाद भी? ऐसा बहुत बार आप लोग को देखने को मिलता होगा कि आप लोग हाथ दे रहे, लोग नहीं रुकते? नहीं रुकता है। उस पर क्या करते हैं? तो भाई हम लोग समझाते हैं कि बाबू आगे बढ़ गया, दूसरी गाड़ी आ गई, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, तो थोड़ा सा आप भी तो समझो, हम तो है ही हैं, लेकिन आप थोड़ा अपना बचाव अपना खुद रखें। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी लगती है आपकी? हमारी ड्यूटी अभी 9 से 9 है। थकते नहीं है? अब तो सरकार हमारा ड्यूटी वरीय पदाधिकारी बोले है कि आपकी 2 शिफ्ट में है, लेकिन एक कहीं ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो मैं उनकी जगह पर 9 से 9 9 से 9 करने में थकान वकान महसूस नहीं होता? थकान तो महसूस होता है, लेकिन अब तो नौकरी है तो नौकरी छोड़ के तो भागेंगे नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप इसी प्रकार मेहनत करते रहे, जाम छुड़वाते रहे। जी चलिए, देख सकते हैं किस प्रकार एक प्रशासन की जिंदगी होती है। वो 12 घंटे जॉब करते हैं, यहाँ पे कोई 6 घंटे जॉब कर लेते तो थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने इन्हें देखा है 12 घंटे जब भी मैं क्रॉस करता हूँ इस चौराहे से या फिर इस आर्यन सिंह मोड़ से, तो ये लगातार तत्पर रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और जाम छुड़वाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं। बहुत धन्यवाद।